बांग्लादेश में इन दिनों भारी बवाल मचा है। पहले ढाका और अब बांग्लादेश के चटगांव में लाखों हिंदू सड़कों पर हैं। ये हिंदू अपने हक के लिए आवाज उठा रहे हैं। हिंदुओं पर हमलों के विरोध में बांग्लादेश के चटगांव में हिंदू घर से बाहर आकर सड़कों पर उतर आए हैं। 7 लाख से ज्यादा हिंदुओं ने चटगांव के चेरगी पहाड़ी इलाके में एकत्रित होकर अपने ऊपर हुए अत्याचारों पर विरोध जताया। उन्होंने अपनी सुरक्षा और देश में बराबरी का अधिकार दिए जाने की मांग की। हिंदुओं का ये विरोध प्रदर्शन आंदोलन का रूप लेता जा रहा है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हुए हमलों की गूंज अमेरिका तक पहुंच गई है। वहां के हिंदू सांसदों ने बाइडेन सरकार से हस्तक्षेप की मांग की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ही हिंदुओं पर हमले पर चिंता जता चुके हैं और उन्होंने बांग्लादेश की अंतरिम सरकार से हमलों को रोकने और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपेक्षा की है। हिंदुओं के विरोध प्रदर्शन के चलते बांग्लादेश की अंतरिम यूनुस सरकार को घुटने टेकने पड़े हैं। यूनुस ने हिंदुओं की मांगे सुनने का आश्वासन दिया है। ये तस्वीरें बांग्लादेश की हैं, उसी बांग्लादेश की जहां आजकल बवाल मचा है। हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है। आरक्षण के नाम पर ये बवाल शुरू हुआ था, लेकिन ये हिंदुओं के खिलाफ हिंसा में बदल गया। बांग्लादेश में लाखों हिंदू सड़कों पर आ चुके हैं। ये हिंदू अपनी सुरक्षा, जान माल की हिफाजत के लिए आवाज उठा रहे हैं। बता दें कि पिछले दिनों बांग्लादेश के अलग अलग हिस्सों में हिंदू मंदिरों को निशाना बनाए जाने, हिंदुओं के घरों और दुकानों में आगजनी की खबरें आई थी। इस हिंसा में कई बांग्लादेशी हिंदुओं के मारे जाने की खबर है। अब ये हिंदू सड़कों पर उतर आए हैं। राजधानी ढाका समेत देश के अलग अलग हिस्सों में इन दिनों विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। हिंदुओं का ये विरोध प्रदर्शन आंदोलन का रूप लेता दिख रहा है। सड़क पर लाखों हिंदू उतर आए हैं। हिंदू महिलाएं प्रदर्शन का नेतृत्व कर रही हैं। हिंदू समाज की मांग है कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के लिए अलग मंत्रालय बने, हिंदुओं के लिए बांग्लादेशी संसद में 10% आरक्षण हो, अल्पसंख्यक सुरक्षा आयोग का गठन किया जाए और कठोर कानून बनाए जाएं ताकि हिंदू अल्पसंख्यकों पर हमले रुके। बांग्लादेश में तो हिंदू अपने हक की आवाज उठा ही रहे हैं। भारत में भी बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए आवाज बुलंद की जा रही है। भारत के विभिन्न राज्यों में भी विरोध प्रदर्शन जारी है और लोग बांग्लादेशी हिंदुओं के प्रति अपना समर्थन जता रहे हैं। मार्च करने का उद्देश्य है, बांग्लादेश के हिंदुओं के ऊपर जिस तरह अत्याचार हो रहा है, उनके घर लूटे जा रहे हैं, उनकी बेटियों की मंडी लगाई जा रही है, उनकी लाशों को टांगा जा रहा है, उनके घर दुकानें सब लूटी जा रही हैं, संतों के चित्त में आक्रोश है। इस देश की सरकार से हमारी ये चाह है कि वो वहाँ के, मैं निश्चित मानती हूँ कि बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए सरकार ने कदम उठाए होंगे, लेकिन हम यहाँ भारत के समस्त हिंदुओं को ये कहना चाहते हैं कि जब आप अपने ऊपर हो रहे अत्याचारों की आवाज नहीं उठाएंगे तो आपके लिए रोने वाला कोई नहीं है। इसलिए हम अहिंसा अहिंसा का पाठ पढ़ते हुए ये भूल गए कि हम भेड़ियों के साथ हैं और भेड़ियों के साथ अहिंसा के व्यवहार से हम जिंदा रह नहीं सकते। इसलिए हमारी अस्मिता, हमारा सम्मान, हमारे संप्रभुता और इस देश की भी अखंडता और पूरे विश्व के अंदर जो हिंदू हैं, अभी यहाँ पे घोष लगा रहे हैं कि हम सब हिंदू एक हैं। बांग्लादेश के हिंदू की पीड़ा हमारी पीड़ा है। हमने ये पीड़ा पहले भी झेली थी, कश्मीर के जब कश्मीरी हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हुए उस समय हम मौन रहे और उस मौन का दुष्परिणाम क्या हुआ कि वो क्षेत्र हिंदुओं से खाली करा दिया गया। आज तक हिंदू वहां लौट नहीं पा रहे और हमारे भी जितने भी सुरक्षा कर्म वहां पर बंधु हैं वो आतंकवादियों से आतताइयों से जूझ जूझ के वो अपने बलिदान दे रहे हैं। ये सारी परिस्थितियों को हम समझ रहे हैं। संतों ने आज ये आह्वान किया है हिंदू समाज का कि वो भगवान कृष्ण को बांसुरी बजाते हुए, मक्खन खाते हुए, लड्डू गोपाल की पूजा बहुत करते हैं, लेकिन अब समय आ गया है श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्रधारी रूप का स्मरण करने का। हृदय आ गया, समय आ गया। और याद रखना होगा कि अपने काना को विषधर का शीश कुचलना आता है, बजरंगी को
अंशुमान की आग निगलना आता है। हम चंडी को नर मुंडों की माल चढ़ाया करते हैं और काना की बंसी को रण में जहर उगलना आता है। इसलिए अपनी वीरता को जागृत करो हिंदुओं, संगठित हो जाओ हिंदुओं, सरकारों पर दबाव बनाओ। हमारी पुत्रियां, हमारी बेटियां, हमारे व्यापार या हमारे जिस भी तरह का अस्तित्व है उसकी रक्षा होनी चाहिए, लेकिन इसकी गारंटी कौन देगा? हिंदू समाज इसकी गारंटी बने, संगठित होकर अपनी पीड़ा को व्यक्त करें, यूएनए के सामने जाइए, 1 लाख से ज्यादा हिंदू, तब आपकी बात दुनिया सुनेगी। इसलिए ये संतों ने जो मार्च किया है, ये जो पीड़ा है, आप सब जानते हो कि भारतीय संत सहज रूप से उद्वेलित नहीं होते, उनका स्वभाव पानी जैसा होता है, लेकिन अगर नीचे आग लगा दी जाए तो वो जल भी उबलने लग जाता है। अधिक रगड़ करोगे तो चंदन में भी आग पैदा हो जाती है। ये वेदना की आग है, ये हृदय के अंदर दर्द है। हमारे बांग्लादेश के हिंदुओं को जिस तरह हमने रोते बिलखते और जान की भीख मांगते देखा है, लेकिन मैं आप पत्रकारों के माध्यम से एक खुशी व्यक्त करना चाहती हूँ कि बांग्लादेश का हिंदू जिस तरह एकत्रित होकर, संगठित होकर सड़कें पे उतरा और उसने अपने अस्तित्व की घोषणा की, वो सचमुच भारत के हिंदुओं का हृदय उसके लिए धन्य हो गया है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका समेत देश के अलग अलग हिस्सों में हिंदू समुदाय की ओर से विरोध प्रदर्शन तेज होते जा रहे हैं। हिंदुओं पर होते अत्याचार को लेकर रिटायर्ड मेजर जनरल जीडी बख्शी ने क्या कहा, सुनिए। जो बॉर्डर पर कई बांग्लादेशी आ रहे हैं, बीएसएफ अभी खदेड़ रही है उन लोगों को, कि आने वाले दिनों में भारत के लिए शरणार्थी चिंता का सबब बन सकते हैं? बिल्कुल बन सकते हैं साहब। अगर हिंदुओं का नरसंहार बंद नहीं हुआ, उन पर अटैक्स होते रहे, तो क्या चारा है बेचारों के पास? वो फिर भाग के भारत ही आएंगे शरण मांगने। 1971 में तो 10 मिलियन रिफ्यूजीज आए थे, जिसमें से अधिकांश हिंदू थे, मालूम है आपको, अधिकांश हिंदू थे। ये उस वक्त फैक्ट छुपा दिया गया, ठीक है। पाकिस्तान की फौज ने बदला हिंदुओं से निकाला और उनको चुन चुन के मारा, जो हाल किया, मास रेप हुआ, जेनोसाइड हुआ, एथनिक क्लेंजिंग हो गई, खदेड़ दिए कि ये हैं फसाद की जड़, ये हिंदुस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं ये करके। और अब अगर बांग्लादेश की फौज को अब हस्तक्षेप करना पड़ेगा, अराजकता खत्म करनी पड़ेगी। अब देखना ये है कि ये जो इंटरिम सरकार आई है, अब इनके चहेते मोहम्मद यूनस साहब इनको मिल गए हैं। मैं ये जरूर कहूंगा कि वो कम से कम पढ़े लिखे आदमी हैं, वो एजुकेटेड आदमी हैं, वो जिहादी नहीं है, वो पागल नहीं है जिहादे इस्लामी के सड़क छाप गुंडों के जैसे, और जो लोगों का कत्लोगारत कर रहे हैं, लोगों को ब्रिजों से मार के उल्टी उनकी लाशें टांग रहे हैं, ठीक है। एटलीस्ट ही इज अ डिसेंट ह्यूमन बीइंग, बट विल ही बी एबल टू कंट्रोल? तो केवल बांग्लादेश की आर्मी कर सकती। शेख हसीना, जब स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट चल रहा था, वो प्रोटेस्ट कैसे जमात का प्रोटेस्ट बन गया, कैसे कट्टरपंथियों का प्रोटेस्ट बन गया, तो शेख हसीना भापने में थोड़ा भूल कर गई, उनको नहीं लगा कि उनके घर तक लोग आ जाएंगे, वो तो आर्मी ने उनकी जान बचाई जैसा आप बता रहे हैं, तो थोड़ा चूक हुई शेख हसीना से? नहीं, चूक तो काफी हुई साहब। देखिए, वो पब्लिक मूड को ठीक तरह से भांप नहीं पाई, उनको पता था कि मेरे खिलाफ साजिश हो रही है, लेकिन ये जो थी इसको काफी पहले शुरू में ही डिफ्यूज किया जा सकता था। बता दें कि मुस्लिम बहुल बांग्लादेश की 17 करोड़ की आबादी में हिंदू 8% यानी करीब 1,35,00,000 के करीब है। बांग्लादेश में पिछले करीब 1.5 महीने से विरोध प्रदर्शन हो रहे थे, आरक्षण को लेकर बवाल मचा था। 5 अगस्त को इन विरोध प्रदर्शनों ने हिंसा का रूप ले लिया और एक ही दिन में करीब 100 लोगों की जान चली गई थी, जिसके बाद वहां राजनीतिक संकट गहरा गया। शेख हसीना को इस्तीफा देना पड़ा और आनन फानन में उनको भारत आना पड़ा। फिलहाल बांग्लादेश में हिंदू सड़कों पर हैं और उनका विरोध प्रदर्शन एक बड़े आंदोलन का रूप ले रहा है।